स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीश शहजाद है और मैं आपको सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ, उसके बारे में टीच करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इसके थ्योरी के मार्क्स और इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स के बारे में इलम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके थ्योरी के मार्क्स हैं 100 और इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं 50। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में सीखते हैं। चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स इसका 1 है पाइप यूज्ड इन प्लंबिंग वाटर सप्लाई एंड गैस सप्लाई। चैप्टर नंबर 2 है प्लंबिंग टूल्स। चैप्टर नंबर 3 है प्लंबिंग फिक्स्चर्स। चैप्टर नंबर 4 है प्लंबिंग फिटिंग्स। चैप्टर नंबर 5 है फॉसेट्स वॉल्स एंड स्पेशल्स। चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई। चैप्टर नंबर 7 है सोर्सेज ऑफ वाटर। चैप्टर नंबर 8 है इनटेक्स। चैप्टर नंबर 9 है क्वांटिटी ऑफ वाटर। चैप्टर नंबर 10 है क्वालिटी ऑफ वाटर। चैप्टर नंबर 11 है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर। नंबर 13 है पंप्स एंड पंपिंग। नंबर 14 है इंट्रोडक्शन टू सैनिटरी इंजीनियरिंग। नंबर 15 है स्टूडेंट, इसका चैप्टर नंबर है क्वांटिटी ऑफ सीवेज एंड डिजाइन ऑफ सीवर। चैप्टर नंबर 16 है हाउस ड्रेनेज। चैप्टर नंबर 7 है अलाइनमेंट एंड लेआउट ऑफ सीवर लाइन। और चैप्टर नंबर इसका लास्ट है स्टूडेंट 18, सीवर ऑपरेटेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके पब्लिक हेल्थ का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। तो स्टूडेंट, प्लम्बिंग एक ऐसा फन है जिसमें किसी भी इमारत में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फ्राहम करने के लिए पाइपों का निज़ाम बिछाया जाता है। इस निज़ाम की तोसीओ मरम्मत की जाती है। सहूलियात से मुराद साफ पानी की फ्राहमी, गंदे पानी का अहराज और गैस की फ्राहमी वगैरह शामिल हैं। प्लम्बिंग से मकान में रहने वाले अफराद के लिए सहूलतें फ्राहम की जाती हैं। इसके अलावा माहौल को हफजान सेहत के असूलों के मुताबिक रखने की कोशिश की जाती है। पाइपों के जरिए साफ पानी घरों में इस्तेमाल वाली जगहों तक पहुंचाया जाता है और पाइपों के जरिए ही इस्तेमाल शुदा गंदा पानी घरों से बाहर खारिज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट था इसका इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।